मेरा नाम परेश नागर है, मैं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के ग्राम दिवटिया से हूँ। ग्रामीण परिवेश में पूरा बचपन बीता है। विचारधारा की जब बात आती है कि मेरे बड़े पापा सब कांग्रेस में रहे, तो एक वो विचारधारा कांग्रेस की परिवार से मिली है, लेकिन 2011 से मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ। लेकिन जब मुझे पता चला कांग्रेस के बारे में, मैंने पढ़ना शुरू करा, गांधी, नेहरू, इंदिरा जी, राजीव जी, सबको पढ़ा कि इस देश के अंदर किस तरह आज़ादी से लेकर उसके बाद इस देश को एक सूत्र में बांधने का काम कांग्रेस ने करा है। सात सितंबर 2022 से यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई, तीन सागरों के संगम से यात्रा शुरू हुई और आज कश्मीर में हिमालय की गोद में यात्रा आ गई है। सीख जो मिली है मुझे, ऐसा लगता है कि खुद में एक जो बड़ा परिवर्तन मैंने पाया है, वो अपने आप में एक काबू कर पाना, ये कह सकते हैं, चाहे वो गुस्सा हो या किसी भी चीज़ से हो, तो यहाँ कितना कुछ सीखने को मिला है। अलग अलग संस्कृतियाँ हमको मिली है, अलग अलग लोग मिले हैं, अलग अलग विचारधाराएँ मिली हैं। देखिए, यात्रा इसलिए ज़रूरी है, सबसे बड़ी बात तो जो कई सवाल उठते हैं कि यात्रा चुनावी है, चुनावी यात्रा नहीं, इस देश की ज़रूरत है ये यात्रा। ये यात्रा का जो पैगाम है कि मोहब्बत और प्यार की यात्रा है, ये प्यार और मोहब्बत की यात्रा है कि जिस तरह इस देश के अंदर नफरत फैलाई जा रही है हिंदू मुस्लिम के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, तो ये एक यात्रा, एक मरहम है उस जख्म के ऊपर, प्यार और मोहब्बत का मरहम। राहुल जी सारे भारत यात्री लेकर निकले हैं कन्याकुमारी से कश्मीर, वो मरहम उस जख्म के ऊपर लगा रहे हैं प्यार और मोहब्बत। सदियों से नाता है कुदरत की जागीर से, सदियों से नाता है कुदरत की जागीर से, जम्मू है तो जान हमारी सांसें हैं कश्मीर से, जम्मू है जान हमारी सांसें हैं कश्मीर से। तो ये यात्रा जो है वो यात्रा न्याय की है, जो यात्रा वो है यात्रा सच्चाई की है, क्योंकि यात्रा न्याय के साथ है, सच्चाई के साथ है।